नेक्स्ट टॉपिक आपका है इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग। अब आपने रिसोर्सेज प्लानिंग की प्लानिंग देखे कि रिसोर्सेज को प्लान करने के लिए व्हाट आर द स्टेजेस, देखिए ये स्टेजेस आपने देखे, बट अब ये रिसोर्सेज प्लानिंग करने के इम्पोर्टेंस क्या है, महत्वपूर्ण क्यों है, देखिए व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, देखिए टू प्लान रिसोर्सेज, ठीक है रिसोर्सेज प्लान करने के इम्पोर्टेंस क्या है, इसको वेरी फर्स्ट बोला है इट इज नेसेसरी फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, अगर आप रिसोर्सेज प्लान नहीं करते हो तो रिसोर्सेज डेवलपमेंट आपका बैलेंस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ जगह पर रिसोर्सेज प्लेंटी ऑफ अवेलेबल है, कुछ जगह पे रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन जो रिसोर्सेज है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाला देखो, सम रीजन ऑफ इंडिया आर रिच इन सर्टन रिसोर्सेज एंड पुअर इन सम अदर रिसोर्सेज। इंडिया के हर एक स्टेट में कुछ रिसोर्सेज प्लेंटी ऑफ अवेलेबल है और कुछ रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी है। ठीक है, जैसे मैंने बोला मैंगोस फॉर द रत्नागिरी, ठीक है अगर रत्नागिरी के मैंगोस में अगर वो फेमस है तो हो सकता है ग्रेप्स में ना हो, ग्रेप्स में प्लेंटी स्कैर्सिटी हो। ठीक है, यानी कुछ चीजें हैं तो कुछ चीजें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान इज पुअर इन वाटर रिसोर्सेज बट रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी। राजस्थान एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है जहां पर राजस्थान के जो विलेजेस हैं उनमें वाटर की स्कैर्सिटी है, ठीक है बट आपके उनके पास सोलार एंड विंड बहुत है, यानी कि क्या कर सकते हो, जो स्टेट्स के पास सोलार एंड विंड एनर्जी अच्छा है, वाटर रिसोर्सेज अच्छा है, वो रिसोर्सेज उसको ट्रैवल करेगा, बदले में राजस्थान आपको क्या देगा, सोलार एंड विंड। इसका मतलब क्या हुआ, जो चीजें तेरे पास नहीं है वो चीजें मेरे पास है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे और रिसोर्सेज को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये चीजें। Some regions are self-sufficient while other regions are very poor in important resources. For example, Madhya Pradesh is rich in many resources, but Ladakh is poor in resources. कुछ हमारे states ऐसे भी हैं जो self-sufficient हैं, ठीक है हर चीज की resources उनके पास available है, उन्हें कोई resources ऐसे नहीं है कि हमें resources ये चीजें हमारे अंदर scarce है। कुछ ऐसे भी states हैं, ठीक है जहाँ सारे रिसोर्सेज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज है तो आप किसी और को सपोर्ट ना करो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, वक्त सभी का बदलता है, टाइम सभी का आता है, ठीक है और कब वक्त बदलेगा, वक्त बदलने में समय नहीं लगता। ठीक है, क्लियर हो रहा है, अगर इस समय वक्त अगर 12:30 हो रहा है तो 1 बजने में ज्यादा समय नहीं है, ठीक है सिर्फ 30 मिनट का फासला है, बराबर। तो यही होता है कि अगर आप कल अगर किसी स्टेट को हेल्प कर रहे हो, आने वाले फ्यूचर में कभी आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो बंदा भी आपके लिए खड़ा होगा, बराबर। वो बोलेगा कि टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे लिए, बिंदास आगे बढ़ो। समझा, क्लियर हो गया। तो यही चीजें है कि कुछ जगह पर कुछ स्टेट्स रिसोर्सेज में सेल्फ सफिशियंट है, बट कुछ स्टेट्स बहुत ही पुअर है। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। प्लानिंग की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंटनेस यही है कि वेस्टेज जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपको पता है कि मुझे नहाने के लिए 1 बाल्टी पानी सफिशिएंट है तो 1 ही बाल्टी पानी से नहाओ, 2-3 बाल्टी से नहाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं करो कि गर्म पानी से नहाओगे फिर ठंडे पानी से नहाओगे फिर मिक्स करके नहाओ। समझ रहा है, क्लियर हो रहा है, 1 बाल्टी चाहिए तो 1 ही बाल्टी से नहाओ। क्लियर हुआ, समझा, रिसोर्सेस को कम वेस्ट करो। समझ रहा है। Then environmental pollution can be reduced. Environmental pollution क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, धीरे धीरे पोल्यूशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, एक चीज अगर चेंज होगी तो धीरे धीरे सभी चीजें चेंज होते जाएंगी, बिकॉज हमारा इको सिस्टम क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्लियर हुआ, समझा। देन आवर एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। हम अगर रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से प्लान करेंगे, ठीक है और अगर हम जो रिसोर्सेज को अच्छे से शेयर करेंगे, ठीक है हम रिसोर्सेज हर जगह पर रिसोर्सेज एलोकेशन अगर हमारा प्रॉपर होगा तो हमारा रिसोर्सेज जो एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है मिनिमाइज होता जाएगा। ठीक है, ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज। एक चीजें और बोलनी है मुझे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट कब आया, जब हमारा एजेंडा 21 ठीक है डिस्कस हुआ था रियो डी जेनेरो, ठीक है अर्थ सुन, ठीक है ये रियो डी जेनेरो एक पर्टिकुलर जगह है, ठीक है जहां पर
इकोनॉमिक डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक मीटिंग बैठाई गई थी, लोगों ने एक सभा बुलाई थी, एक असेंबली हुए थे लोग, ठीक है। और इस पर्टिकुलर जगह पर 21 points, 21 agendas, ठीक है, एजेंडा यानी कि पॉइंट्स टू बी डिस्कस, ठीक है, जो 21 डिस्कशन पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए गए थे। पॉइंट भी डिस्कस यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आपके सोसाइटी में जब भी मीटिंग होता है, एजीएम हो या कुछ भी हो, एनुअल जनरल मीटिंग हो या कोई भी मीटिंग हो, आप लोग के घर पे एक पेपर दिया जाता है और उस पेपर पे लिखा होता है एजेंडा ऑफ द मीटिंग, यानी कि पॉइंट्स टू बी डिस्कस इन द मीटिंग, ठीक है। बड़े बड़े कंपनीज में भी यही चीजें होती है। तो वैसे ही उस पर्टिकुलर मीटिंग रियो डी जेनेरो अर्थ समिट में हुआ था। इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, ठीक है, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट के ऊपर, ठीक है, कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है। इफ आपको गलती से भी अगर ईयर आपको पता नहीं है तो माई डियर स्टूडेंट्स मेंशन मत करो। अगर आप ईयर और डेट अगर रॉन्ग मेंशन करते हो तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज उस पर्टिकुलर डेट पे वो इवेंट हुई नहीं, ठीक है। ये चीजें हिस्ट्री और ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो एजेंडा 21 हुआ था जहां पे 21 पॉइंट्स को डिस्कस किए गए थे रियो डी जेनेरो अर्थ समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझा सभी को? क्लियर है? एनी डाउट्स? नो।